सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है भाई, क्योंकि देखो इसमें एक दो चीजें मैं ऐसी बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो मेन, आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो मेरा लैपटॉप है Asus TUF-F15 16GB, इसको मैंने डुअल चैनल पे अपग्रेड कर लिया। मतलब रैम इसमें पहले से 8GB आता था, 8GB मैंने खुद से अपग्रेड करा, अब ये 16GB डुअल चैनल पे काम कर रहा है। और इसके अंदर तो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, वो है RTX 3050। और भाई प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो इसमें लगा हुआ है इंटेल i5 11th Gen। तो भैया देखो, इन सारे स्पेक्स को लेके इसमें क्या असैसिन क्रीड्स वैलहैला की जो ग्राफिक क्वालिटी है वो क्या निकल के आने वाली है, वो हम टेस्ट करने वाले, लो मीडियम हाई। और अब आप पूछोगे भाई अगर तुझे यही दिखाना था तो, मतलब मैं चाहता तो इस वीडियो को बिल्कुल स्क्रीन से ही शुरू कर सकता था डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करते हुए, पर इस वीडियो को स्टार्टिंग में एड ऑन करने का यही रीजन था कि पहले तो मैं स्पेक्स बता दूं। और कुछ लोगों ने मेरे पास पर्सनली मैसेज करा है कि भैया उनसे जो है ये गेम अभी वो फ्री में लेना चाह रहे ऑफिशियल। भैया मैंने वीडियो में भी बोला भाई मैं पायरेसी सपोर्ट नहीं करता, ये जो गेम मैं बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से मिली है फ्री में, यूबीसॉफ्ट की तरफ से ऑफर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, वीडियो को पूरी तरह से देखो भैया, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये गेम मिल जाएगा। और बहुत हो गया भाई बकवास, फटाफट से मैं दिखा देता हूँ आपको इस जिस काम के लिए मतलब मैंने ये वीडियो बनाई है। और शुरू करने से पहले आपको पता क्या कहना, यू नो द ड्रिल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर। सो ये रहा हमारा गेम भाई। सबसे पहले जो चीज आपको दिखानी जरूरी है वो है सेटिंग्स, तो ऑप्शंस, और यहाँ पे आप देख सकते हो फुल HD पे, ठीक है, 1920x1080, मतलब इससे ज्यादा सेटिंग्स नहीं है भाई इसमें, या फिर एक सेकंड मैं वो भी देख लो, क्या नहीं, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। और ऊपर देख सकते हो आप, ग्राफिक्स पे दिखा दूं भाई, मैं मीडियम पे मैंने क्वालिटी सेट कर दिया है, ठीक है। आप जैसे ही प्रीसेट मीडियम पे करोगे सारी चीज़ें मीडियम पे हो जाएंगी, आप जैसे ही इसको हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा पे करोगे उस हिसाब से फिर चीज़ें सेट हो जाएंगी। पर मैंने भाई, एक तो मैं मिडिल क्लास वाला है हम लोग, तो भाई हम मीडियम सेट, अरे ये बहुत ही बेकार जोक था, ये सब हटाओ। यहाँ नीचे आप देख सकते हो भाई 3050 का जो VRAM है वो सिर्फ 4GB में मिलता है, तो भाई उस हिसाब से जैसे ही मैंने इसको मीडियम पे सेट करा, इसने वैसे तो ये ऑटोमेटिक इसने मीडियम खुद ही से मतलब सेलेक्ट करा है डिफॉल्ट पे। और यहाँ पे देख सकते हो आप 3182 यानी 3182 3182 जो MB है इसने कंज्यूम कर लिया है, और इससे ज़्यादा मेरे को लगता है मैं सेट करूँगा तो फिर हमारे पास VRAM बचेगा नहीं, थोड़ा सा इसे खाली छोड़ना चाहिए भाई फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और भाई मीडियम बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं, आप यहाँ पे देखो, ये सब चीज़ें छोड़ो, और एक चीज मैं बता दूं आपको, FPS ऊपर में दिख रहा होगा या कॉर्नर पे, ठीक है, 70-72 ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, वो मैं बताता रहूंगा, अगर आपको दिख रहा है तो फिर वेल एंड गुड। और ये देखो आप जो क्वालिटी है भैया, मतलब मीडियम पे सिर्फ कहने को है यार, ये किसी और गेम के मुकाबले अगर आप इसे कंपेयर करोगे ना भाई, तो मेरे हिसाब से तो फिर ये मतलब हाई अल्ट्रा सुल्ट्रा जो समझ लो वो है, क्योंकि ग्राफिक्स की जो क्वालिटी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और अभी आप देख सकते हो इजीली आपको, वैसे ये मैंने पहले ही बताया भाई, ये 16GB पे मैंने अपग्रेड कराया हुआ है, ठीक है, ये अगर 8GB रैम वाले वेरिएंट में आप खेलते हो, मैं उसकी परफॉर्मेंस नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उसकी बहुत सारी वीडियोस जो है वो पड़ी हुई है ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो आप जाके चेक कर लो। ये अगर 16GB पे आप अपग्रेड कराते हो तो आपको परफॉर्मेंस में कितना ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलता है, आप ये कंपेयर कर लेना इससे। वैसे ग्राफिक्स की जो क्वालिटी है भाई गजब। और एक चीज़ मैं बता दूं भैया, इस क्वालिटी से आप जज मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत लोग होते हैं, ये कैमरे से मेरे रिकॉर्ड हो रही है, तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो आप इस कैमरे वाली वीडियो से मत जज करना, ठीक है। ऐसे आप रियल लाइफ में देखोगे तो अलग ही एक्सपीरियंस है, इससे आप सिर्फ परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाओ FPS देख के, ठीक है। बाकी भाई अगर आप रियल लाइफ में अगर सामने से देखोगे तो क्या ही ग्राफिक्स की क्वालिटी है। और उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मीडियम से इसको अभी हम ले जाते हैं हाई की तरफ और देखते हैं फिर क्या हमें देखने को मिलता है। सो भैया ये चीज़ हम नहीं कर सकते, आप करने के लिए कर सकते हो, देखो फिर क्या हो रहा है, VRAM हमारा पूरी तरह से कंज्यूम हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है ऑलमोस्ट रेड लाइन। तो भाई ये चीज़ आप मत करना, क्योंकि फिर जो परफॉर्मेंस में बहुत गंदा ड्रॉप आपको देखने के लिए मिलेगा। सो मीडियम ही सही है भाई, और मेरे को नहीं लगता भाई मीडियम पे भी अगर आप इस गेम को खेलोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी मतलब है ना रिग्रेट फील होगा, फील नहीं होगा भाई, फील होगा, मैं कुछ भी बोल देता हूँ भाई, वीडियो बनाने के टाइम नहीं समझ में आता कैसे। और तो यहाँ पे आप देख लो भाई इजीली, मतलब आप भाई रैम अपग्रेड करा लेना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिन्होंने RTX 3050 के मतलब जो लैपटॉप लिया है, जिन्होंने भी 3050 उसका अगर फुल पोटेंशियल आपको यूज़ करना है लैपटॉप का, तो भाई आप फटाफट सा रैम अपग्रेड करा लो। और मेरी मानना आप 3200 MHz वाली ही रैम लेना, उससे कम नहीं, परफॉर्मेंस भाई अल्टीमेट मिलेगी आपको, देख सकते हो Easily आपको 70+ FPS, जबकि आप जाके YouTube पे देखो भाई 8GB RAM वाले या और भी किसी भी लैपटॉप में इस गेम की जो ग्राफिक्स है वो भाई बहुत ही कम देता है ये। फाइनली भैया, अबे नहीं मरा, मर गया, वैसे मारना नहीं चाहिए था यार, पर कोई बात नहीं, हम फैन है भाई के तो मारेंगे।
तो बस भैया यही दिखाना था, किसी किसी कंडीशन में ये 80 प्लस भी जा रहा है। हो सकता है, मैं अभी एक चीज और बता दूं भैया कि फाइट सीन वगैरह होंगी जब कभी, तो मेरे को लगता है ये FPS ड्रॉप होगा, पर हाँ इजिली आपको 60 प्लस तो इन एनी कंडीशन इसमें मिलने वाला है मीडियम पे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था भाई, और कुछ आपको पूछना हो तो आप जरूर मेरे से पूछ लेना इसके रिगार्डिंग। और एज यूजुअल कैसे फ्री में गेम मिल रही है वो भी ऑफिशियल विदाउट पायरेसी विदाउट क्रैक वाली, वो जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लो। बस बाय बाय टाटा, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, और तब तक के लिए और कुछ नहीं, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और बस और क्या यार, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय टाटा, टेक केयर, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, जय हिंद।